तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं किस पे, सी प्लस प्लस और सी पे। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग को समझते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग मतलब तुम अपने लिए खुद का एक सॉफ्टवेयर तैयार करो। अब जैसे एक्सेल है राइट, या वर्ड है, या पावर पॉइंट है, ये चीजें क्या है कि ये आपको कोई बना के दिया है, आप उसको क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। ज़्यादा कुछ जानते हो तो थोड़ा सा कस्टमाइज कर देते हो, कुछ नई फीचर ऐड कर देते हो। हम बात कर रहे हैं कि तुम अपना खुद का बनाओ, मतलब कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक या तुम जाओ शोरूम में गाड़ी खरीद के ले आओ, दूसरे पास दूसरा ऑप्शन है कि आप जो है खुद से अपने लिए गाड़ी बना लो। अब तुम किसी और का गाड़ी खरीदोगे तो वो जो बनाया है, वो जो फीचर दिया है, उसी को देखना होगा। अब कुछ फीचर तुम्हारे काम के हैं उसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तुमको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और कुछ फीचर दिए हैं जो तुम्हारे काम के ही नहीं है, तो मजबूरी में तुम उसको रखना पड़ेगा। बट जब तुम खुद की कोडिंग करते हो, खुद की प्रोग्रामिंग करते हो, तो तुम अपने आवश्यकता के अनुसार, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम कोड लिखते हो, और कोड लिखने के बाद प्रोग्राम को तैयारी करते हैं। अब कोड क्या होता है, देखिए कोड को आप कोड की तरह मत पढ़िए, कोड को लैंग्वेज की तरह पढ़िए। जैसे बंगाली होता है, आसामी होता है, नेपाली होता है, भोजपुरी होता है, ये कोड के लैंग्वेज किसके लिए होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब कि आपको अपनी बात सामने वाले को समझाना है, उसकी बात को समझना है। सेम थिंग तुम ये समझो कि तुम अपना बात जो तुम करना चाहते हो, तुम जो बनाना चाहते हो, वो तुम अपने कंप्यूटर को समझाओगे और कंप्यूटर समझ के तुमको उसकी रिजल्ट देगा। तो लैंग्वेज की तरह यूज करो, जैसे इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, उस तरह से। तभी आपको प्रोग्रामिंग सही समझ में आएगी, वरना रट्टा मारते रहोगे कि कौन सा कोड किसके लिए क्या है। तो हम शुरुआत करेंगे सी प्रोग्रामिंग से। सी सी को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मदर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे ऐसा माना गया है कि संस्कृत जो है वो हर लैंग्वेज की, हर भाषा की जननी है, उसी तरह से सी को भी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है। चाहे जो भी लैंग्वेज यूज करते हो, उसमें आपका स्ट्रक्चर जो होता है सी का ही होता है, ठीक है। इसलिए जब कोडिंग शुरू की जाती है तो शुरुआत में सी प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है। चाहे तुम BCA करो, MCA करो, PGDCA करो, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, उसका यूज किया जाता है। तो सी जो है ये पुराना है, सी प्लस प्लस ये नया है, सी हैश भी एक आता है, ये सब माइक्रोसॉफ्ट का, सी हैश माइक्रोसॉफ्ट का है जो कि .NET के ऊपर वर्क करता है। तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे ही उठ के थोड़ी लिखोगे, तुमने उठे और कुछ लिया और उस पर लिख दिया। ये कोनो पेन पेपर थोड़ी है कि आपको एक कविता लिखनी है, कि स्टोरी लिखनी है, आपने लिया और लिख दिया। एक कंप्यूटर है। तो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए चाहिए होता है कंपाइलर। कंपाइलर जो, क्योंकि कोडिंग जो तुम लिख रहे हो वो होता तो क्या है, इंग्लिश है, लेकिन आपका कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। देखिए कंप्यूटर के अंदर जो स्विच होते हैं, मतलब जो बोर्ड होता है ना, उसमें पावर जाता है और पावर बंद होता है, पावर जाता है, पावर बंद होता है। जब पावर जाता है तो उसको पावर जाने और बंद होने को 0 और 1 के बीच में मापा गया है स्विच के। तो बाइनरी लैंग्वेज के में दो ही अक्षर होते हैं, 0 1, और 0 1 से ही पूरा इतना बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना हुआ है। तो 0 और 1 से ही इतना बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना हुआ है। तो कंपाइलर क्या करता है, आपकी जो भाषा है, जो इंग्लिश भाषा में जो कोड लिखते हो, उस कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज। अब यहीं पे कंपाइलर यूज होता है। बहुत सारे कंपाइलर है, लेकिन मैं यूज करूंगा आपको सिखाने के लिए देव C++। अब DEV है तो मेरा बेटे का नाम भी देव है, तो वो वाला देव नहीं है, ये डेवलपर वाला देव है।
अब मेरा बेटा सुन के खुश हो जाता है कि भाई मेरे नाम का सॉफ्टवेयर है, तो ए डेवलपर का सॉफ्टवेयर। अब बोलेंगे सर मैं तो सी सीखने जा रहा हूँ, आप सी प्लस प्लस सिखा रहे हो। देखिए सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है सी के लिए भी सेम काम करता है, और आपके सी प्लस, हाँ दोनों अलग अलग लैंग्वेज सी को ही एडवांस करके सी प्लस प्लस बनाया गया है, सी से ही सी हैश बनाया गया है। जो डॉट नेट की वेबसाइट वगैरह बनती है ना, वो सब सी सी हैश के थ्रू बनती है, VB6 और सी हैश के थ्रू बनती है। तो दोनों अलग अलग प्रोग्रामिंग है, और ऐसा नहीं है कि ये पुराना लैंग्वेज है तो ये आउट ऑफ यूज है। सी अभी भी माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस की मदद से बहुत सारे एप्लीकेशन को तैयार करता है। आपके जो पहले जो रेलवे के, अब पता नहीं रेलवे क्या था, लेकिन मैं करीब 10-15 साल पहले देखा था रेलवे के जो टिकटिंग सिस्टम था जो डॉस बेस्ड था, वो भी सी पे ही बना हुआ था। कोडिंग अलग होता है, सी प्लस प्लस का अलग होता है। कोडिंग बता ना आपको, कोडिंग जितना भी लैंग्वेज यूज करते हो उसका कोडिंग बिल्कुल, अब उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, लिखने का तरीका, कहीं कहीं पे स्पेलिंग, कहीं पे कॉमा डैश, ये सब चीज़ें चेंज आती है, बाकी होता एक ही है। रखे तो सी प्रोग्रामिंग हमको करनी चाहिए। अब प्रॉब्लम आती है कि सी प्रोग्रामिंग हम डायरेक्ट कर ले, लेकिन सी प्रोग्रामिंग करने से पहले बेटर होगा कि आप कुछ आर्टिकल पढ़ लें। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग, ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कथा वाच रहा हूँ और एक कथा सुन के तो आप सी के प्रोग्रामर नहीं बन जाएंगे, इस तरह सी के प्रोग्रामिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब W3 स्कूल है, ABC प्रोग्रामिंग देता है, ये तो कंपाइलर भी दे देता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सी प्रोग्रामिंग के जरिए आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए लैंग्वेज है, इसको भी मैंने पढ़ा था, इसमें ये अच्छा है, अच्छी चीज़ें इसमें जिसमें आप यूज कर सकते हैं। अब सी इंट्रोडक्शन है, एक कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर को हम ओपन करते हैं, अब इसको समझते हैं। अब बोले सर आप पढ़ा रहे हैं और ऑलरेडी आपने खोल लिया क्या, एक वेबसाइट खोल लिया, ये तो हम भी खोल सकते थे। देखिए वेबसाइट जैसे आप बुक से पढ़ते हैं ऐसे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वेबसाइट बुक का एक्सेस आपके पास सब जगह नहीं है, बट वेबसाइट का एक्सेस है। तो सबसे पहले आप समझिए कि सी प्रोग्रामिंग में होने वाले अल्फाबेट का क्या यूज होता है। देखिए सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब हुआ कि वो बड़े छोटे में फर्क रखता है, वो बड़ा ए और छोटा ओ ए को दोनों को अलग अलग मानता है, समझ गए। तो इसकी कोडिंग आप करते समय इसका ध्यान लगाओ, क्योंकि सी एक्सेप्ट बोथ ऑफ द लोअर केस एंड अपर केस अल्फाबेट ऑफ द वेरियस ऑफ द फंक्शन, मतलब सी जो है लोअर केस अपर केस दोनों एक्सेप्ट करता है, लेकिन या लोअर होना चाहिए या अपर होना चाहिए, मतलब मिक्सअप करके लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारी चीजें में। उसके अलावा सी जो है हर तरह का डिजिट को एक्सेप्ट करता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी डिजिट्स है सारे डिजिट्स को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद स्पेशल करेक्टर, अब स्पेशल करेक्टर क्या होते हैं, मतलब ABCD के अलावा, हिंदी में हर्षकार दीर्घकार हुकार होता है ना, अनुस्वार चंद्रबिंदु, उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी स्पेशल करेक्टर होते हैं, जैसे कि कॉमा हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, डॉट, डैश, ब्रैकेट ओपन क्लोज, सेमी कॉलन, डॉलर, कॉलन, परसेंटेज, स्क्वायर ब्रैकेट, हैश, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, एंड परसेंट, कर्ली ब्रैकेट, डबल कोटेशन मार्क, पावर, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बाद यहाँ पे स्टार, ये सब क्या है, स्पेशल करेक्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल करेक्टर भी सी प्रोग्रामिंग में एक्सेप्ट होता है जहां अगर जरूरत है। ओके हम बात करते हैं व्हाइट स्पेस करेक्टर, मतलब कि हम सिंपली स्पेस को भी डाल सकते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग में, क्या डाल सकते हैं, स्पेस को भी दे सकते हैं, राइट। अब ये सी के कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ऑटो, डबल, इन, स्ट्रक, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, ये कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड जो है आपको जब प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे इसमें सारे चीजें हम कवर करेंगे। ओके अब बात करते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जब प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो कलर हो जाएगा। अभी जैसे देखिए मनी है, अकाउंट बैलेंस है, एक कलर नहीं है बट इंट कलर है, डबल कलर, तो जो कलर हो गया उसका मतलब समझिए
कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस नाम का ऑब्जेक्ट या कोड कोड पार्ट ऑफ द कोड अवेलेबल है सी के अंदर में। लेकिन जब आप सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं अगर इस तरह की आइडेंटिफायर में कलर नहीं होता, इसका मतलब है कि जो कोड आप लिख रहे हो वो अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल या फिर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। ये हमारा इसका कीवर्ड्स के बारे में आते हैं। ओके तो ये सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल होता है, टेम्परिंग सेविंग लोकेशंस करते हैं, ये चीजें हम यहाँ पर आसानी से कर सकते यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स पे जाके आप अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए एक तरीके से एक सपोर्ट के रूप में आपको मिलता है, राइट। तो आप जो है पहले इस वेबसाइट पे जाके थोड़ी सी पढ़ लिख लें, उसके बाद हम आपके साथ सी प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे। ऐसे अगर आपके पास कंपाइलर नहीं है या फिर आप सेलफोन से भी सिर्फ सी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शुरुआत में जो हमने खोला था उसको आपको ओपन करना चाहिए, जो कि है W3 School। W3 School का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहां आपको कंपाइलर मिल जाता है। जैसे कि ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है, इंक्लूड स्टूडियो इंट मेन प्रिंट आउट। अब इस कोड को तो समझ लिए, अब चाहते हैं कि ट्राई करके देखना है कैसा होगा, तो ट्राई इट सेल्फ पे जाएंगे तो यहाँ आपका खुल गया कोडिंग और यहाँ खुल गया इसका पाथ। अब जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो देव, अब मैं रन करूँगा तो यहाँ दिखेगा हेलो देव। अब थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि सी है, अगर कोई और होता तो तुरंत दिख जाता। अब देखिए हेलो देव आ गया, तो आप यहां से भी अपना रन कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप डेवलपर का सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करें। अब लर्निंग के लिए तो ठीक है, आपने देखा है कि छोटा सा हेलो देव प्रोग्राम को रन करने के लिए इसको तकरीबन 10-12 सेकंड का टाइम लगा। जब बड़े बड़े प्रोग्राम रन करेंगे तो आपका ये थोड़ा सा बम बोल जाएगा, मतलब कि बम बोलने का मतलब होता है ये जवाब दे देगा, मतलब कि रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा, बहुत स्लो चलेगा। इसलिए छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए ये तो सही है, बट बड़े प्रोग्राम के लिए यू हैव मेड द कंपाइलर और कंपाइलर इजली जाके डाउनलोड किया जा सकता है। तो फिलहाल आप W3 में जाके अपने प्रोग्राम को आसानी से रन करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ है इंक्लूड स्टूडियो एज, मतलब ये जो कोडिंग का जो पार्ट है स्टूडियो एज से हमने इंपोर्ट किया है। उसके बाद इंट मेन, इंट फॉर इंटीजर होता है और मेन नाम का हमने मेन प्रोग्राम बनाया है जिसमें प्रिंट एफ, हमने प्रिंट एफ मतलब कि बाहर जो प्रिंट दिख रहा है वो हमारा प्रिंट एफ से आता है। और हेलो देव हमने क्या लिखा, अपना मैसेज लिखा, और मैसेज जब भी लिखेंगे मतलब कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर में लिखेंगे, और जैसे ही लाइन खत्म होगी हर लाइन के बाद सेमी कॉलन देना जरूरी है। अगर हर लाइन के बाद अगर सेमी कॉलन आप नहीं देते हैं तो दिक्कत होगा। आप इसी प्रोग्राम इसी सेम कोड को आसानी से हम अपने डेवलपर में रन कर सकते हैं। इसको ओपन कीजिए और यहाँ पे मैंने फाइल में गए, यहाँ से न्यू ले सकते हैं। न्यू यहाँ पे सोर्स फाइल आया, इसको यहाँ पे रखिए और इसको यहाँ पे कंपाइल है, कंपाइल एंड रन है दोनों कीजिए। पहले फाइल को सेव करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे PR1.C, सी इज द फाइल टाइप, क्या है सी, फाइल टाइप है, तो हमें डॉट सी करके इसको सेव करना होगा। अब ये रन होगा, रन होने के बाद यहाँ देखिए दिखा दिया। अब यहाँ पे कंपाइल होकर रिजल्ट आया कि एरर 0 है, वार्निंग 0 है, आउटपुट कहाँ से निकला है, आउटपुट साइज कितना है, आउटपुट में कितना टाइम लगा है, 2.4 सेकेंड, मैं 2 सेकेंड और 47 मिली सेकेंड लगा है। और ये देखिए आपको यहाँ पे दे दिया देव। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो हट जाए। तो सेम चीज़ आप W3 School से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं।
अब इसी में आप प्रिंट एफ में यहाँ पे कुछ और देना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि प्रिंट एफ यहाँ पे अब स्लैश एन करना होगा। अब स्लैश एन क्यों करना होगा अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लिखता हूँ वेलकम माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ओके। और इसके बाद हमें लास्ट में ए सेमी कॉलन लगाना, सॉरी लास्ट में हमारा सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, स्क्यूट में कंपाइल एंड रन, कंपाइल होगा रन होगा। अब देख रहे हैं देव कुमार और वेलकम माय फर्स्ट प्रोजेक्ट दोनों एक साथ दिख रहा है, दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि वेलकम जो है नीचे आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो अब थोड़ी कम बोले सर मैं दो लाइन नीचे क्यों नहीं आया, तो इसको कोटिंग में थोड़ी पता है कि नीचे लाइन प्रेजेंट करना है, इसे बोला प्रेजेंट करना है। तो स्लैश एन करेंगे तब जाके ये देखिए नीचे जाएगा लाइन। अब देखिए कंपाइल एग्जीक्यूट कीजिए रन करेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि कितना जल्दी हो जा रहा है और डब्ल्यू थ्री स्कूल में काफी टाइम लिया था इसलिए कंपाइलर यूज करते हैं। अदरवाइज जैसे फोन वगैरह है, टैब वगैरह है, आपके पास सिस्टम नहीं है तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो फटाफट इसी तरह का कुछ मैसेज प्रिंट करने वाले प्रोग्राम को कम से कम 5-7 प्रोग्राम को बनाइए जहां पे हम मैसेज को प्रिंट करेंगे।